तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाली वायरल लाइफ कुनाफा की मेकिंग, जो कि पॉपुलर ट्रेडिशनल मिडल ईस्टर्न डेजर्ट है। इसकी सेवियों को टर्की से इंपोर्ट कराया जाता है और बीच में चीज की लेयर को स्टफ करके खिलाया जाता है। और आज की डेट में कुनाफा इंडिया में इतना ज्यादा वायरल हो चुका है कि लोगों ने हजारों न्यू फ्लेवर्स इसके जो है लॉन्च कर दिए हैं। तो ये दिखाते किस तरीके से इस कुनाफा को रेडी किया जाता है। तो गाइस यहाँ पर हमारा कुनाफा बनने जा रहा है। तो भैया कौन सा कुनाफा बना रहे हैं? ये टर्किश कुनाफा बना रहे हैं। टर्किश कुनाफा, ये क्या डाला सबसे पहले? ये असली घी है। ये घी डाला है? घी, असली घी है। सो गाइस ये देखिए एकदम दानेदार घी रहता है ये। और अब इसमें टर्किश कुनाफा बोलते हैं इसको, ये सेवियां हैं। ये सेवियां यहाँ के ना होते, टर्किश की सेवियां। अच्छा, ये सेवियां हैं? ये यहाँ के नहीं होते, ये नॉर्मल जैसा हैदराबाद के जो सेमिया होते हैं ना, वो नहीं। हाँ। होते ये टर्की से बना मंगाते हैं। अच्छा, टर्की से स्पेशली मंगाई जाती है ये? अरे वाह भाई वाह। और अब इसको मोल्ड में सेट किया जा रहा है अच्छे से, ये देखिए। सो अगर आप लोगों ने भी कुनाफा खाया है पहले तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, पर मैं तो आज पहली बार ही कुनाफे को ट्राई कर रही हूँ। ये देखिए अच्छे से दबा के बेस को सेट किया जा रहा है, जो सेवियां थी उसको अच्छे से सेट किया जा रहा है। और ये दोस्तों आ गई है चीज, अकावी चीज है। कौन सी चीज? अकावी चीज। अकावी वो क्या होती है, मतलब क्या डिफरेंस रहता है? ये बहुत डिफरेंट होता है हमारे चीज का, ये अलग से चीज है। अच्छा, सो गाइस ये चीज बीच में डाली जाएगी जी। सो ये देखिए बीच में ये चीज डाली जा रही है, कुछ चीज को पूरा सेट किया जाएगा, पूरे बेस पे सेट किया जाएगा एकदम बढ़िया से। अब ये जो सेवियां थी ना हमारी, वो दोबारा से डाली जाएंगी। देखिए सो इसकी मेकिंग हम आपको पूरी स्क्रैच से दिखा रहे हैं। आप लोगों ने कुनाफा की मेकिंग कभी नहीं देखी होगी, बट आज इस वीडियो के थ्रू हम आपको कुनाफा की मेकिंग दिखा रहे हैं। सो ये देखिए पूरा दोबारा से अगेन सेट किया जाएगा बेस को, ये देखिए अमेजिंग। सो ये हो गया है यहाँ पे सेट। सो गाइज अब इसको गैस के ऊपर रखा जाएगा और पकाया जाएगा। सो ये गैस के ऊपर रख दिया है भैया ने और फ्लेम को धीरे कर दिया है। और कितना टाइम लगेगा इसको पकने में? इसको 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट में ये रेडी हो जाएगा बेस। सो ये देखिए बेस को रेडी किया जा रहा है गैस पे रख के। सो गाइज इसको देखिए घुमाया जा रहा है गैस के ऊपर और अच्छे से पकाया जा रहा है। अब कुनाफे को पलटा जाएगा और दूसरी तरफ से भी बढ़िया से सेका जाएगा। ये देखिए कुनाफे को पलट दिया और नीचे से रंगत देखिए आप, ये देखिए एकदम क्रिस्पी हो चुका है बेस हमारा। और अब उसी तरीके से सेम नीचे से भी इसको अच्छे से पकाया जाएगा। ये चेक कीजिए दूसरी साइड से भी हमारा जो कुनाफा है वो पक चुका है, बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसको गैस से उतारा जाएगा, पलटा जाएगा, देखिए दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से ये क्रिस्पी हो चुका है। अब इस बेस की जाएगी ड्रेसिंग और ये देखिए ये डाला जा रहा है शुगर सिरप, भैया थोड़ा कमी, हाँ लाइट। और ये देखिए ये आ गया है प्लेट में। और अब दूसरी साइड पे भी यहाँ शुगर सिरप डाला जा रहा है, उसके बाद पिस्ता। और दोस्तों अब डलेगा इनका एकदम क्रश्ड पिस्ता, ये देखिए ऊपर से डाल दिया है पिस्ता और पूरी कुनाफे पे ड्रेसिंग कर दिया पिस्ता की, वाओ। सो ये हो चुका है रेडी, अब इसको करते हैं रिव्यू। तो गाइस ये आ चुका है हमारा टर्किश कुनाफा और आजकल ये बहुत ज़्यादा पसंद है लोगों को और बहुत डिमांड है कुनाफा की एक्चुअली। तो बेसिकली ये रहता है आपकी अरेबियन डिश। सो नीचे बेस प्रिपेयर किया हुआ है सेवियों से, जो कि टर्की से स्पेशली सेवियां मंगाई जाती है, कम मीठा होता है ऐसा भैया का कहना है, बाकी ट्राई करके पता चलेगा। और यहाँ पर आपको कम से कम 25 वराइटीज ऑफ कुनाफा मिल जाएंगी अलग अलग, और वो भी बहुत ही सही प्राइस में। तो ट्राई करते हैं इसको। अच्छा इसमें साइजेस भी अलग अलग है, तो ये स्मॉल है, मीडियम लार्ज भी अवेलेबल है, अकॉर्डिंग टू द साइज प्राइस रहता है। ट्राई करते हैं इसको। सो ये चेक कीजिए, वाओ बेस बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। और ये देखिएगा इस अंदर है इसके चीज़, तो ट्राई करते हैं। वाओ सो 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 अमेजिंग, बहुत टेस्टी है। बीच में जो मेन फ्लेवर है ना वो इसके अंदर जो चीज इन्होंने लेयर किया ना उसका है, फिर दूसरी आती है यहाँ पे क्रंच, जो कुनाफे का बेस है ना उसका क्रंच, फिर उसके बाद तो चार चांद लगाता ही है जो भी टॉपिंग होती है आपके कुनाफा की। तो ऐसे मुझे तो ये सच में बहुत अच्छा लगा। और हमने ये ट्राई किया है कैप्टन कुनाफा, जो कि है हैदराबाद के अंदर, इनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो आप किसी भी ब्रांच में जाके ये ट्राई कर सकते हैं। और प्राइस रहता है इसका 250। सो प्राइस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब 3 लोग आराम से इसको खा लेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली आइएगा, ट्राई कीजिएगा और बहुत सारे फ्लेवर्स हैं तो आपको मज़ा आ जाएगा।